नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज की कुछ बात ऐसी है, हमारे भारत देश में जो प्रमुखता खेती तो की जाती है, लेकिन उसके साथ क्या है कि हमारे भारत देश में पशुपालन एक बहुत अच्छे से और तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। तो अब दिक्कतें क्या है, वो है कि हरे चारे की दिक्कतें आ रही है। मेरे थोड़ा सा नज़र में ये आया काफ़ी दिनों से जो है, तो इस हरे चारे को जो है मतलब इसका एक सोल्यूशन क्या है कि कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर पानी की कमी है, वहाँ पे लोग इसको उगा नहीं पाते तो पशुपालन से थोड़ा सा दूर भागते हैं। तो उसको इसके लिए एक सोल्यूशन है, वो है हाइड्रोपोनिक फॉडर, उसका एक सोल्यूशन है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो है जगदम्ब हाइड्रोपोनिक्स कंपनी के संस्थापक विशाल माने सर जी है। नमस्कार सर। इनका एक्सपीरियंस मतलब ये जो है 3-4 साल से इसमें काम कर रहे हैं। ये पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन थोड़ा सा खेती में इनका रुझान होने से और इनके खुद की खेती होने की वजह से थोड़ा सा इनको करने में बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ भी है। तो सर हमें ये बताइए कि एक हाइड्रोपोनिक फॉडर एक्चुअली है क्या, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है ये एक्चुअली? नमस्कार। हाइड्रोपोनिक एक तकनीक है कि बिना मिट्टी का हम घर बैठे हरा चारा उगा सकते हैं जो प्रोटीन विटामिन युक्त रहता है। मतलब एक सॉइललेस है ये पूरा? ये सही, पूरा सॉइललेस रहेगा और ऑर्गेनिक है पूरा। हाँ, मतलब यानी कि अभी आपका पूरा स्ट्रक्चर घूम के देखा, इसमें मतलब कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है, पानी है और उससे पूरा हरा चारा तैयार। ये सही क्या रहे कि बिना मिट्टी का चारा बन रहा है। हाँ, खाली हम इसको अंकुर सोया सीड्स डाल रहे हैं। हाँ, पर 8 से 10 दिन में हमको हरा चारा मिल रहा है। हरा चारा मिलता है, ये तकनीक है। अच्छा, तो ये बताइए, मान लीजिए सॉइललेस पूरा इसको, इसीलिए इसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं, ठीक है? यस। हाइड्रोपोनिक मतलब सॉइललेस, कोई चीज़ के नहीं, बस पानी से हरा चारा उगाते हैं। यस। तो इसको जो है अपने भारत में मतलब कहाँ कहाँ के लोग इसको सेटअप पूरा खड़ा करके इसका यूज कर सकते हैं, हरा चारा तैयार कर सकते हैं? इसमें कौन कौन से हरे चारे तैयार होते हैं? इसमें मक्का और गेहूँ का ज़्यादातर अच्छे तरीके से चारा बन जाता है, और हमारे भारत में कहीं भी लोकेशन रहेगा, हम अलग अलग लोकेशन पे ठीक तरह से एनवायरनमेंट मेंटेन करके कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये बना सकते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं पे भी भारत में लोग मतलब इसको जो है लगा सकते हैं? यस, भारत में कहीं भी रहेगा हम बना सकते हैं, कहीं भी लोग कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी चारा इसका बना सकते हैं। यस यस। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं के लोग इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, इसके लिए स्पेसिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए हम जो कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, जो पूरा सेटअप खड़ा किया है, इसके लिए कुछ बेसिक टेक्निकल चीजें है, इनको हमको ध्यान में रख के काम करना है। इसके समझ के लिए कि हमने इस पे कंट्रोल ग्रीन शेडनेट लगाया है, अंदर पानी का एनवायरनमेंट कंट्रोल किया है, पानी देने का समय रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करने का रहेगा, उसको हम टाइमर ऑटो सिस्टम लगाते हैं, वो मायने रखता है। हाँ, ये सब हमने अगर ठीक तरह से कंट्रोल किया, हाँ, तब जाके हम ग्रीन फॉडर आसानी से बना सकते हैं, अच्छे क्वालिटी का। मतलब हरा चारा ये है, कोई भी कहीं भी इसको बना सकता है। ये अगर आपने बताए हुए प्रोसीजर फॉलो किए, ऑटोमाइजेशन रह गया, तो हरा चारा बना सकता है। हाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि इसमें मकाई का चारा भी बना सकते हैं, गेहूं का चारा भी बना सकते हैं, और कौन सा बना सकते हैं? देखिए, हम बहुत चीज़ों का बना सकते हैं, लेकिन अच्छा और अच्छी क्वालिटी का आता है तो मकाई और गेहूं का ही। गेहूं का आता है। यस। तो सबसे जरूरी बात तो ये, पशु के लिए हरा चारा तो जरूरी है। हाँ, उसके बिना तो मतलब पशु के एक हेल्थ अच्छी रह नहीं सकती है। तो ये जब हरा चारा बनता है, जैसे कि मकाई हुआ, आपका गेहूं हुआ, तो ये कैसे बनता है, इसकी विधि क्या है, मतलब स्टार्ट से लेकर थोड़ा सा एंड तक, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे लोगों को जो है जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, अभी क्या रहता है, हमारे पास अगर ड्राई मकाई रहेगी, हम मकाई को, आपको प्रोसीजर बताया जाए तो हम मकाई को एक दिन भिगो के रखते हैं पानी में, उसको ठीक तरह से क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करके एक दिन के लिए पानी में भिगो के रखते हैं। पानी में भिगो के रखने के बाद हम उसको 2 दिन में गोनी में निपोट के रखते हैं। हाँ, यानी कि निपोटने के बाद उसको अंकुरित आना शुरू होता है, और जब उसको ठीक तरह से अंकुरित आता है तो हम उसको इस तरह से, ये देखिए, ट्रे में फैला के रखते हैं, सही मात्रा में, मतलब ये अभी अभी निकला हुआ लग रहा है बोरी से। हाँ, अभी बोरी से निकला हुआ है और अंकुरित हुआ हुआ है, देखिए आप, इसको अंकुर आए हुए बड़े बड़े। ये अंकुर निकलने के बाद इसको ट्रे में डालना। यस, इसको भी देखो, हमको इसको इस तरह से, हमने जो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, जो हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया है, जो हरा कपड़ा है, पाइप सिस्टम है, ड्रिप का है, इस ऑटोमाइजेशन कंडीशन में हमको उसको डालना है। 8 दिन के लिए इसको रखना है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इसमें एक ट्रे जो है आपका, ये ट्रे दिख रहा है, बड़ा हेवी ट्रे है, तो इसमें एक ट्रे में लगभग कितनी मकाई लेनी पड़ती है? देखिए, एक ट्रे में 750 से 800 ग्राम के बीच मकाई रहती है। हाँ, और इसके चलते हमको 8 दिन को इसको ट्रे में सेटअप में रखना है। हाँ, जो हमने बनाया हुआ है, मतलब 8 दिन में पूरा चारा आपका तैयार हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेज का है। फर्स्ट स्टेज का है। अब मान लीजिए पूरा, मुझे फाइनल स्टेज इसका दिखाइए, फर्स्ट स्टेज से लेकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी देखिए कि हम, ये हमारा रहता है 8 दिन के बाद, हमको 700 से 800 ग्राम की मक्का से, हाँ, इस तरह से देखिए पूरा हरा चारा बन गया है। मतलब इस तरीके से बनता है। 700 से 800 ग्राम से आपको 6 से 7 kg आगे पीछे चारा बन जाता है आपके मक्का की क्वालिटी के ऊपर। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से बन गया है। अच्छा, पशु को जो है ये पूरा चीज डाल सकते हैं, नीचे का रूट्स भी, ये भी, मक्का भी। हम देखिए, इसमें हम
हमको तीन चीजें मिल रही है। हाँ। पहले की है रूट्स रहेंगे जिसमें प्रोटीन विटामिन की मात्रा ज्यादा रहती है। हाँ। दूसरी बात है हमको सीड्स रहते हैं जो सॉफ्ट रहेंगे, और तीसरी बात ये रहेंगी देखिए पूरा हरा चारा है जो हमको बिना मिट्टी का मिल रहा है वो पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ। ये हमारे बहुत फायदेमंद रहता है। क्या रहता है बहुत जगह पे हरा चारा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे हम कम पानी में कम जगह से हरा चारा मिल रहा है। देखिए पूरा बिना मिट्टी का है, कोई भी हमने मिट्टी इस्तेमाल नहीं की है। तो सबसे जरूरी बात ये बताइए कि मान लीजिए हम लोगों ने पहले मकाई ले ली, ठीक है, मकाई की फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने बोरी में डाल दी, इस ट्रे में आपकी ब्लैक वाली ट्रे में ले लिया। ट्रे में लेने के बाद इसमें कोई मतलब रिस्क होती है क्या कि फंगस लगा या वो उगा ही नहीं या टेम्परेचर की दिक्कत हुई, ऐसा कुछ होता है क्या? ये तो साफ सुथरा लग रहा है मुझे, लेकिन रिस्क भी फैक्टर भी जरूरी होता है। रिस्क फैक्टर रहेगा। अगर हमने हम इसको कंट्रोल एनवायरमेंट नहीं बनाएंगे, हम इसको ऑटोमाइज नहीं करेंगे, जिसके चलते हमने देखिए कि पूरा ऑटोमाइज किया है, ऑटोमाइज सिस्टम में अगर बनाएंगे तो ये पूरा हेल्दी आएगा, अच्छा आएगा। अगर हम इसके लिए बेसिक प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो ये खराब आएगा। हाँ मतलब अच्छा आएगा ये पूरा, मतलब रूट जोन वगैरह पौधा तो भी आप देख सकते हो पूरा अच्छा आया है। हाँ, पशु क्योंकि हमने इसको कंट्रोल एनवायरमेंट में और जो प्रोसीजर हम बनाते हैं बताते हैं लोगों को इसके इसको फॉलो करके लोगों ने बनाया है। अच्छा ये बात है। तो विशाल सर ये बताइए हम लोगों ने 8 दिन में तो ये पूरा मतलब हरा चारा जो है हाइड्रोपोनिक सिस्टम से पूरा ऑटोमेशन से पूरा तैयार हो गया। हाँ। तो पशु को डालने के बाद इसके क्या क्या फायदे होते हैं? हाँ अभी देखिए ये अहम फायदा कर जाता है कि हमको बकरी फार्म है हमारा तो उसका वेट गेन का मेन फायदा इसका रहता है। अगर हमारा गाय का फार्म रहेगा उसको मिल्क इंक्रीज होने के लिए उसका फैट बढ़ाने के लिए इसका बहुत फायदा रहता है, क्योंकि विटामिन युक्त रहता है, अंकुरित हुआ सीड्स रहता है, अंकुरित हुआ कौन सा भी धान अगर हम हमारे डाइजेस्टिव में लाए खाने में लाए तो उसका फायदा ही रहता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, वेट गेन रहता है। अगर मिल्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो मिल्किंग का क्वालिटी अच्छी मिल जाता है आपको और मिल्किंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ये फायदा रहता है हमको। अच्छा तो मतलब इसको जो है हमारे किसान भाई कोई भी जैसे कि 4-6 गाय हो या तो उसका बड़ा फार्म हो वो बिजनेस तौर पर कर रहा है पशुपालन मतलब बकरी पालन हो, तो इसको मतलब कितने मतलब स्ट्रक्चर एरिया में ये यूज कर सकता है? अभी देखिए आप जो हम दिखा ये दिख रहे इस फार्म पे हम खड़े हैं, इस पे हम 150 बकरी का फार्म है, इस पे हमने 200 केजी डेली का ग्रीन फोडर बनाया है। हाँ, ये पूरा 150 बकरी का फार्म है, इसको डेली का 200 केजी फोडर मिल रहा है ग्रीन फोडर। ये खाली जगह 16 फीट बाय 16 फीट जगह है, इसमें आप ये फार्म छोड़ के अगर जगह देखी जाए तो पूरा बंजर जमीन है, कहीं भी पानी की मात्रा नहीं है, सोर्स नहीं। मैंने देखा यहाँ पूरा सूखा एरिया है, यस, तो फिर भी यहाँ पे हम ग्रीन फोडर इनको खिला रहे हैं, इसका फायदा रहेगा। अच्छा ये फायदा रहता है, कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। यस, मान लीजिए कोई बंदा है कि सिटी एरिया में रहता है कहीं पे रहता है, उसको गाय पालने का शौक है, वो पालना चाहता है, तो वो क्या कैसे एडजस्ट करे तो उससे वहाँ पे भी उसको हरा चारा तैयार कर सके? देखिए हम क्या करते हैं कि लोगों को कम ज्यादा एक गाय रहेगी, दो गाय रहेगी या 10 बकरी 2 बकरी है, वो करके वो उनको ग्रीन फोडर खिलाना चाहते है। हम डिजाइन ऐसे बना है हमने लोगों के लिए कि वो उसका पूरा क्या बोलते हैं कि फायदा ले सके। हाँ। वो फायदा है कि 25 केजी का रहेगा, 50 केजी का रहेगा, 100 केजी का रहेगा, हर उनकी रिक्वायरमेंट अनुसार हम उसको बना के दे रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे कस्टमर चाहता है चाहे उसकी एक गाय हो चाहे 100 गाय हो, जैसे वो मांगेगा उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं। तो ये बात होगी मान लीजिए उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगी। अब थोड़ा सा हमें ये बताइए आपका स्ट्रक्चर जो आप ये खड़ा करते हैं इसका थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन बताइए, इसमें इतना अच्छा हरा चारा जो आता क्यों है? क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी ग्रीन हाउस है, तो वहाँ पे भी इतना हरा चारा जो बनता है इतना अच्छा नहीं आता, इसके क्या रीजंस हैं? हमने इसको पहली बात की एनवायरनमेंट कंट्रोल किया है, समझ के लिए कि हमने इसको ग्रीन नेट लगाया है, ऑटोमाइज सिस्टम की है, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं हम, टाइमर लगाते हैं पानी के लिए, हम पानी साफ सुथरा रखते हैं, और इसका जो बेसिक रहता है ध्यान, इसकी प्रोसीजर इसको हम ठीक तरह से फॉलो करके ही हरा चारा बन जा रहा है हमारा। सही बात। सबसे जरूरी एक बात है कि देखिए हरा चारा इतना अच्छा है तो हमारे किसान भाई व्यूअर्स जो है फर्टिलाइजर के बारे में हर चीज़ के बारे में जानकारी रहती है, तो इसमें पानी के जरिए कुछ खाद भी यूज़ करना पड़ता है क्या? देखिए हमारा मेन पर्पज हाइड्रोपोनिक की तकनीक से फॉलो करने का है कि पूरा ऑर्गेनिक, ये पूरा हाइड्रोपोनिक तकनीक पूरी ऑर्गेनिक तकनीक है, इसमें हम कोई फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आप हेल्दी ग्रीन फोडर आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है, हरा चारा। यस। अच्छा ये स्ट्रक्चर आपका 16x16 जैसे कि आपने कहा, तो यहाँ पे पीछे मैंने देखा कि टंकी भी रखी हुई है, पूरा आपका ऑटोमेशन सिस्टम भी रखा हुआ है, तो इसमें दिन भर में पानी कितना लगता है 16x16 में? कितना खाद भी मतलब चारा भी कितना तैयार होता है ये भी बताइए, और पानी भी कितना? अभी देखिए कि 16 फीट बाय 16 फीट जगह में डेली आपको 180 से 200 केजी के बीच हरा चारा मिल रहा है। हाँ। इसको आपको डेली का 450 से 500 लीटर पानी उतना ही लग जाता है। ये पानी की हमने मात्रा इस तरह से एडजस्ट की है कि हमने जो अंदर फोगर लगाए हुए है, जो ड्रिप सेटअप बनाया है उसमें वो पूरा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हमको पानी बहुत कम जाता है
खेती की कंपैरिजन में, खेती में हम समझो कि हमको खेती में 10 लीटर जा रहा है या 2 लीटर में काम बन जा रहा है, मतलब बहुत कम पानी में यहाँ पे काम हो रहा है, आपका 80% पानी बच रहा है इधर में इस साइड में, हाँ बहुत ही कम पानी, मतलब फॉगर के द्वारा काम हो रहा है। हाँ तो विशाल सर, सबसे जरूरी चीज ये बताइए कि मान लीजिए आपने 16x16 स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो इसमें एक टाइम पे पूरा ट्रे भर देना है कि स्टेप बाय स्टेप भरना है तब जाके रोज चारा आएगा कि एक ही बार में चारा आएगा? हाँ, एक ये बात तो बहुत मायने रखेंगी, आपको डेली का ग्रेन फोडर मिल रहा है 200 kg 16 फीट बाय 16 फीट जगह में, यानी कि आपको डेली का वर्कआउट करना है। अभी देखो ये 360 ट्रे का सेटअप है, डेली हम 36 ट्रे बाहर निकाल रहे है और 36 ट्रे का फीड अंकुर अंदर डाल रहे है, यानी कि हमको 8 दिन के बाद डेली 200 kg चारा मिल रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो ट्रे रख रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। यस। तो विशाल सर हमें ये बताइए, हमारा कोई ऑडियंस है, व्यूवर्स है, कहीं पे ऑल इंडिया में रहता है, तो आप इसका सेटअप जो है कहीं पे भी खड़ा कर देते हैं, उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल इसमें मकाई वगैरह लगता है वो भी आप देते हैं? देखिए हमारा कंपनी इस तरह से काम कर रहा है कि लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, छोटा लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, या उनको एक्सपेरिमेंट करना हो या पहले खुद जान के बाद में बड़े लेवल पे करना हो, हम उनको दोनों तरफ सहायता कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को अगर बेसिक लेवल पे मटेरियल चाहिए वो हम ऑल इंडिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब इंडिया भर से कहीं भी लोकेशन हो हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करा के सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों इनकी कंपनी जो है पूरा मतलब हाइड्रोपोनिक फॉडर का जो है सेटअप पूरा खड़ा करके देती है, उसके साथ साथ इसका रॉ मटेरियल भी देती है और पूरा कंसल्टिंग भी देती है। तो दोस्तों इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ये प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दे रहा हूँ, आप इनसे विशाल सर से, इनकी कंपनी जो है जगदम्बा हाइड्रोपोनिक फॉडर की, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।